Hello friends, welcome to Yogic and Modern Science. This is our fifth episode about meditation, about Dhyan. In this episode, we'll be exploring about the third component of Dhyan. There are three components of Dhyan. Dhyan means there are three things involved in Dhyan. Dhyata means the person who is meditating, who is doing Dhyan. Dhyata, Dhyan, the meditation, and Dhyay, the thing for which he or she is meditating, or thing about which one is meditating or one meditates. So there are three components: Dhyata, Dhyan, and Dhyay. Now, we want to talk about why the Dhyata or the meditator many times or most of the times Dhyata does not seem to reach up to the Dhyay, right? So why Dhyay is not fulfilled to the extent which is expected from the meditator or from the Dhyata. Sharma ji, log dhyan karte hain, theek hai, magar apne dhyay tak theek dhang se nahi pahunch pate, dhyay unka pura nahi ho pata. To hum ye baat karna chahte hain aaj ki dhyan karne mein kya adchan hai ya dhyan kaise kiya jaye ya kya hota hai uske andar ki dhyay tak जो ध्याता है ध्येय तक नहीं पहुंच पाता, ठीक है. और बहुत से ध्याता है ऐसे हैं जो ध्येय तक पहुंच जाते हैं, उनका ध्येय पूरा हो जाता है, ठीक है. तो ध्यान में जो तीन चीजें हैं, ध्याता, ध्यान और ध्येय, ठीक है, इसको इसके परिप्रेक्ष्य में, ठीक है, आप ये बताएं कि ध्याता का ध्येय, ठीक है, कैसे पूरा हो. ये जो यौगिक विज्ञान है, आध्यात्मिक विज्ञान है, ये आध्यात्मिक विज्ञान ये कह रहा है उसमें कि जो व्यक्ति ध्यान करने की प्रक्रिया में, चाहे वो लेटा है, बैठा है, खड़ा है, ये जरूरी नहीं है कि उसकी स्थिति कैसी है, तो मगर उसमें स्थिति ध्यान करते समय जरूरी है कि वो ऐसी एक स्थिति में जाए जहाँ उसकी शरीर की एक आरामदायक पोजीशन हो, आरामदायक एक स्थिति हो, और वो किसी तरीके की शारीरिक बाधाएं वहाँ पे उत्पन्न बीच में ना हो, तभी उसका जो ध्यान है, ध्यान की प्रक्रिया जो है उसकी लगातार डेवलप होएगी, आगे बढ़ेगी. और ये जो ध्यान वो व्यक्ति जो कर रहा है, तो उसका ध्येय भी उसको पता चलना चाहिए कि अगर जैसे ये ध्येय पता चल गया कि हमारे जीवन में अगर हम ध्यान कर लेते हैं, जो अक्सर कर गुरु बताते रहते हैं कि ध्यान करने से जो है आपकी मन में और बुद्धि में जो अशांति है वो हट जाएगी और शांति आ जाएगी. तो ये चीज़ें ध्यान करने से वो कई सालों साल करते रहते हैं, और मगर वो ये चीज़ें से मुक्त नहीं हो पाते. इसलिए मुक्त नहीं हो पाते क्योंकि जो आपने ध्यान किया था वो आपका ध्येय इस प्रकार का था कि आपको शांति चाहिए थी. तो शांति एक चाहिए, इसलिए वो और एक चीज़ जो अशांति है उसको आप बैग्स में त्याग कर रहे हैं, ये को पकड़ रहे हैं, तो इसलिए आपकी परिस्थिति ठीक नहीं बनी हुई है. अगर आपकी ध्यान की परिस्थिति ऐसी बन जाती कि आप एक ध्यान गहराई में जा कर के अपने ध्यान को एक जगह पर रोक दो, या वो रुक जाए, वो रुक जाता है बहुत गहराई में, जितना ही पानी कम होता है उसमें ज़्यादा उछालें होती हैं, जहाँ पर बहुत गहराई होती है वहाँ उतनी शांति होती है. और अगर ध्यान आपका अपने ही अंदर में बहुत गहराई में चला गया है तो वो एक जगह केंद्र पे जाकर के स्थिति उसकी स्थित हो जाती है, ठहर जाता है. और जब जो चीज़ ठहरी हुई है वो चीज़ अगर किसी भी कार्य करने के लिए सक्षम है, जो चल रहा है
और चलते में आप चल रहे हैं तो उसमें कार्य तो कर सकते हैं मगर बल बहुत ज़्यादा लगेगा। तो जब जो चीज़ ठहरी हुई है, अगर आपका ध्यान वहाँ जाकर के केंद्र एक शांति की जगह में केंद्रित होकर के केंद्र गहराई में और जो टिक गया है तो वहाँ से आप अच्छाई भी देख सकते हो, दूसरे तरफ मुड़ करके आप बुराई भी देख सकते हो। तो दोनों तरफ आप देख सकते हो, इसलिए क्योंकि आपका ध्यान बिल्कुल जैसे कमरे की चौखट के ऊपर रुक गया है, ऐसी जगह पे टिक गया है, तो अंदर बाहर दोनों तरफ देख सकते हो। जैसी परिस्थिति हो तो अंदर की अगर सुगम परिस्थिति है तो परिस्थिति में अपने को आप एडजस्ट कर सकते हो, रह सकते हो, वहाँ कोई आपत्ति नहीं, मगर उसमें आपका लगाव नहीं है। मगर अगर विपरीत परिस्थिति बाहर की है और वहाँ पर आपकी जटिल समस्याएं हैं तो वहाँ जटिल समस्याओं में अपने को वहाँ एडजस्ट कर सकते हो और उनके अनुरूप रह सकते हो, वहाँ भी आपका लगाव नहीं, क्योंकि यहाँ लगाव नहीं था वहाँ भी लगाव नहीं। आपको तो पता है कि ये पूरा ब्रह्मांड चेंजेबल है, ये चेंज होना है, तो जब चेंज होना है केंद्र में जो हुआ है वो केंद्रित रहेगा। परिस्थितियाँ जो केंद्र से दिखाई दे रही हैं आपको अच्छाई और बुरी, ये परिस्थितियाँ चेंजेबल हैं और ये केंद्र अधिक अधिक समय में जाकर के चेंज होएगा। अब ये परिस्थितियाँ बहुत जल्दी जल्दी चेंज होती हैं, इसलिए ये बात वहाँ केंद्र में जाके समझ में आ जाती है। तो ये चीज़ जब होती है तो वह व्यक्ति जो है ध्यान कर रहा है वो ऐसी परिस्थिति में गहराई में चला गया है, अब उसको कोई प्रॉब्लम नहीं रहा है, अब उसको कोई समस्या नहीं रहा, अब उसे बहुत जल्दी फैसले करने में वो और अनुकूल विपरीत परिस्थिति में भी वो अपने को अनुकूल परिस्थिति में एडजस्ट कर लेता है, वहाँ समावेश हो जाता है और वो इस चीज़ से मुक्त हो जाता है। जिस जो चीज़ ढूंढ रहा था कि मुझे अशांति है, अशांति में भी उस शांति को ढूंढ लेता है। शांति में तो शांति है मगर शांति में उसका लगाव नहीं रहता कि हम यहाँ पे लगा शांति हमारे को, मुझे यहीं रहना है, उसे पता है कि परिस्थिति बदलती है। तो इस टाइप का जब ध्यान कोई ध्यान जो है लगा रहा है, ध्याता उसमें ध्येय उसका बना हुआ उस जगह का, ध्याता वो स्वयं है और ध्यान उसने लगा करके वो उस परिस्थिति में पहुँच गया है। तो ये जो तीनों की समावेश है, तीनों की जो एक लाइन होना है, ये ध्यान के लिए बड़ा ज़रूरी है कि दोनों परिस्थिति सही होनी चाहिए, आपका ध्येय सही होना चाहिए और आपके जो ध्याता हो तो आपकी ध्याती की स्थिति सही होनी चाहिए, स्थान भी सही होना चाहिए, स्थिति भी सही होना चाहिए, ध्येय भी आपका सही होना चाहिए, तो परिणाम आने में देर नहीं रहती, परिणाम बहुत आसानी से हासिल किया जा सकता है, जो चीज़ चाहिए वो आपको मिल जाएगी ध्यान से। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ असंभव है, ध्यान से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। तो इस टाइप का जो है आध्यात्मिक जो योगिक साइंस और योगिक विज्ञान जो आध्यात्मिक बता रहा है वो इस तरीके का एक अनुभव बता रहा है, अनुमान नहीं बता रहा है कि कोई व्यक्ति अनुमान से बता रहा हो कि ये चीज हमने अनुमानित किया, यह अनुभव है। तो अनुभव के माध्यम से ये चीज़ बताई जाती है कि केंद्रित होता है और ये चीज़ शास्त्र में ये चीज़ पाई जाती है, तो ये सब लिखी हुई हैं, ये तो इनके अनुसार चलना चाहिए। और ये जो है अपने को ऐसी जगह में ऐसी जगह पहुंचाओ जहां से आप निर्णय आसानी से समानता में निर्णय ले पाओ ले सको, तो ये योगिक साइंस विज्ञान बताता है। ओके, अकॉर्डिंग टू योगिक साइंस the meditation happens when there is no movement in the attention, right? And it is called in other languages like Hindi and Sanskrit, jab dhyan thehar jaye, when there is no movement in the attention. Now if the meditator gets to this state where there is no movement in his or her attention, from that point, from that state of mind, he or she can decide what is the circumstances around him or her, and in that circumstance he or she can move very easily. He can adjust himself, okay, either to the negative circumstance or positive circumstance, right? And in this way the objective of doing meditation is fulfilled.
our objective is not fulfilled, okay, because we don't reach to that state where there is no movement in the attention. So this is the prime cause of not fulfilling the objective, right? So if somehow the meditator gets to that state of mind where there is no movement in his or her attention, from that state he or she can see very clearly all the circumstances around him, whether it is negative circumstance or positive circumstance. If there is even negative circumstance, then he will adjust himself to that circumstance, okay, without any grudge. So in this way, he or she will not find any problem in his life whatsoever. He will be more peaceful, he will be more authentic, he will be more honest in his life, and he cannot lie, etc., etc. So these merits will automatically come in his life because he is unmoving. He is sthit pragya. एक हमारे पास एक शब्द आता है गीता में स्थित प्रज्ञ. भगवान बोलते हैं कि जो स्थित प्रज्ञ है, सो स्थित प्रज्ञ इज द सेम पर्सन, ओके, हु इज अनमूविंग इन हिज अटेंशन, ओके, दोज हुज अटेंशन डज नॉट मूव एट ऑल. सो दैट इज द स्टेट ऑफ माइंड, ओके, फ्रॉम वेयर ही और शी कैन डिसाइड क्लियरली, ओके, वॉट इज टू बी डन विद अ पर्टिकुलर सर्कमस्टेंस. So this is what is required, the non-movement of the attention in meditation. Thank you.